कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 13वां अध्याय। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, दो या तीन गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। तुम तो इसका प्रमाण जानते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार, जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे।